पंजाब विखे नशा मुक्त अभियान चल रहा है। इसे सिलसिले विच नशे खिलाफ एक जुटता दिखांदे होए पिंड मुरादाबाद दे लोग लामबद्ध होए ने। इसी सिलसिले विच उन्हां ने SP युवराज सिंह नाल पिंड विच नशा रोकण लई मीटिंग भी कीती है। पिंड विच नशा वेचण वालियां नूं SP जुगराज सिंह ने हथ जोड़ के बेनती करदे होए कहा कि सुधर जाओ वरना हवालात विच जाण लई तैयार हो जाओ। तुहानूं दस दईए अज पिंड मुरादपुरा विच पुलिस अधिकारियां वल्लों गेड़ी मारी गई ते नशा छुड़ाउण दी अपील कीती गई। इस दे नाल नाल पुलिस अधिकारियां ने भरोसा दिता कि सरकारी नशा छुड़ाओ केंद्रां नाल संपर्क कीता जाएगा। नशे दे खिलाफ एकजुट होए पिंड मुरादपुरा थाना कंबोह दे लोकां नूं मिलन पहुंचे SP जुगराज सिंह वल्लों अज पिंड दे लोकां नाल नशे दे नैक्सस तोड़न अते पिंड विच नशा वेचण वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करन दी मंग कीती है। इस संबंधी गलबात करदिया अमृतसर देहाती दे SP जुगराज सिंह ने दसिया कि नशा वेचण वाले जां तां नशा वेचना छड़ देन जिस दी असीं हथ जोड़ के बेनती करदे आं वरना फड़ के उन्हां नूं हवालात दे विच पा दिता जाएगा। इस दे नाल इन्होंने बहुत ही तलखी नाल कहा कि असीं अज पिंड दे नशा करन वाले अते नशा छड़न वालियां नाल गलबात करन ते पता लग्गिया है कि हर एक नौजवान नशे दी दलदल विचों निकलना चाहुंदा है, जिस संबंधी असीं इन्हां नौजवानों नूं नशा छुड़ाओ केंद्र विच भर्ती करवा के उन्हां नूं नवां जीवन देवांगे अते पिंड विच नशा वेचण वालियां दे खिलाफ सख्त एक्शन लवांगे। पंजाब सरकार दी नशा छुड़ाओ मुहिम घर घर ते हर पिंड विच चल रही है। हुण वेखना होगा कदों पंजाब नशा मुक्त हुंदा है ते खुशहाल हुंदा है। पिंड मुरादपुरे दे विच थाना कंबोह दे एरिया दे विच पुलिस पब्लिक मीटिंग जिहड़ी आ उह नशे दे खिलाफ इत्थे कीती। सो बड़ा वधिया हुंगारा सारे पिंड ने दिता है और आउण वाले समें दे विच असीं ये प्रण कीता है सारिआं ने रल के पुलिस ते पब्लिक ने कि इस पिंड दे विचों जिहड़ा आ उह नशे दा खात्मा कीता जाएगा और इस वास्ते सारे पिंड ने पुरजोर सानूं अपना सहयोग देण दी जिहड़ी आ उह गल कीती है। और मैं अपने वल्लों अमृतसर देहाती पुलिस वल्लों सारे पिंड वासियां नूं इह विश्वास दिवांदा कि असीं इन्हां दे मोढे नाल मोढा ला के इन्हां दे अगे हो के नशे दे खात्मे वास्ते काम करन नूं तैयार हां और कर रहे हैं और बहुत जल्द इहदे रिजल्ट जिहड़े आउण वाले दिनां दे विच वेखण नूं मिलणगे।